हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आप 7 दिन लगातार अखरोट वाला दूध पीते हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, किन रोगों में ये फायदेमंद है, इसके अलावा किस रोग में इसका सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना, इसका सही तरीका क्या है लेने का, सही समय क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं कि ये इस बीमारी में भी फायदेमंद है, उस बीमारी में भी फायदेमंद है, जिसके नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो मैं जो भी जानकारी आपको देने वाली हूँ वो हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से है। इसके अलावा मैं आपको साइंटिफिक तौर पर भी बताऊंगी कि किन बीमारियों में ये अखरोट आप खा सकते हैं और किन बीमारियों में अखरोट का सेवन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं किन तकलीफों में, किन रोगों में आपको अखरोट और दूध लेना चाहिए। अखरोट और दूध दोनों के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। अगर आपके घुटनों के अंदर लचक पड़ती है, आपको चलते चलते लचक पड़ने लगी है, यानी कि आपके घुटने बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनमें दर्द रहता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, आपको चलने में फिरने में मुश्किल आ रही है, यानी ये कह सकते हैं आपकी हड्डियां वीक पड़ रही हैं, और इसके अलावा आपकी जॉइंट पेन की भी अगर समस्या है तो भी आपको अखरोट और दूध का सेवन रोजाना जरूर करना है। इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इसको बनाने का भी सही तरीका आपको जरूर जानना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपको मसल पेन या मसल में ऐठन रहती है, खिंचाव रहता है, तब भी आपको अखरोट और दूध का सेवन रोजाना करना है। इसके अलावा अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो हमारे मसल को रिपेयर भी करना होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अखरोट वाला दूध जरूर पिए, आपकी मसल पेन वाली समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं 27 दिसंबर को संडे यानी कि रविवार वाले दिन शाम को 7:15 बजे लाइव आ रही हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगी थायराइड के बारे में, थायराइड का इलाज कैसे किया जाए, बहुत आसान तरीके से थायराइड का इलाज कैसे संभव है, और बहुत सस्ते तरीके से थायराइड का इलाज कैसे संभव है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप जरूर पूछिए 27 दिसंबर संडे शाम को 7:15 बजे। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम में अखरोट वाला दूध पीना काफी फायदेमंद होगा, लेकिन आपने प्रेगनेंसी टाइम में अखरोट सिर्फ भिगोने हैं और सुबह एज इट इज खाने हैं, यानी इन्हें गर्म नहीं करना, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी हो या गर्मी, गर्म चीजें नहीं खाई जाती, तो इसीलिए आप अखरोट को भिगो कर ही सेवन करें। इसके अलावा अगर आप सारा दिन बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, आप सोकर उठते हैं फिर भी आपको थकान रहती है, आपके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप अखरोट वाला दूध बहुत आराम से पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, फेस पर रिंकल्स रहते हैं, झुर्रियां रहती हैं, इसके अलावा आप ऐसे दिखाई देते हैं जैसे 25 की उम्र में 35 या 40 जैसे हैं, फेस पर ग्लो और शाइन बिल्कुल नहीं है, तो आप अखरोट वाला दूध पी सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों को अगर मजबूत करना चाहते हैं फिर भी आप अखरोट वाला दूध पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो प्लीज अखरोट का सेवन बिल्कुल नहीं करें। अगर आपने कहीं से ये सुना है कि वो लोग अखरोट का सेवन कर सकते हैं जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है। अगर हम फैट जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पहले ही बढ़ चुकी है उसको निकालने के लिए तो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और बाहर से हम फैट का इनटेक कर रहे हैं, तो हम कहाँ से सही काम कर रहे हैं। दोस्तों, 100 ग्राम अखरोट के अंदर कम से कम 13 से 14 चम्मच तक तेल यानी फैट होता है, तो इसीलिए आपने अखरोट का सेवन या अखरोट को दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसके अलावा अखरोट खाने से वजन भी बढ़ता है, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अखरोट या अखरोट के साथ दूध का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन नहीं करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में फैट होती है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो दोस्तों फिर भी आपने अखरोट का सेवन नहीं करना, क्योंकि शुगर में डॉक्टर हमेशा आपको यही बोलेंगे कि आपने अपने फैट को कम करना है, आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जितना आपके अंदर फैट ज्यादा होगा पैनक्रियाज उतनी कम काम कर सकेंगी, इसीलिए आपको अखरोट का सेवन नहीं करना। इवन आपने नट्स भी थोड़े कम खाने हैं, जितने ज्यादा नट्स यानी ड्राई फ्रूट का सेवन करेंगे उतना ज्यादा फैट आपके अंदर जाएगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। जिनके अंदर भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों ने अखरोट वाला दूध नहीं लेना, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द रहता है, मसल बिल्डिंग
ब्रीदिंग करना चाहते हैं, थकान कमजोरी महसूस होती है, बाल झड़ते हैं, स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं, वो लोग जरूर सेवन करें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ, बहुत इसकी अच्छी बात भी है अखरोट वाला दूध पीने की, वो ये है नपुंसकता को दूर करता है, ये पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने अखरोट वाला दूध कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, दो अखरोट लेने हैं। अखरोट कौन से लेने हैं ये भी बता देते हैं, जो अखरोट बहुत इजीली टूट जाएं वो अखरोट का ही सेवन कीजिए, जो बहुत टाइटली किसी चीज से तोड़ने पड़े वो अखरोट का सेवन नहीं करना, जो बहुत आसानी से टूट सके यानी कि जो उनका बाहर का शैल होता है, कवर होता है, बहुत पतला हो, उसी अखरोट का सेवन करना है आपने। तो दो अखरोट रात को भिगो दीजिए और सुबह आपने इस भिगे हुए अखरोट को पेस्ट बना लेना है। एक गिलास दूध लेना है, उस दूध के अंदर आपने इस पेस्ट बने हुए अखरोट को बॉईल करना है और सुबह आपने पी लेना है नाश्ते से कम आधा घंटा पहले। तो दोस्तों ये घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुकी है, चलने में तकलीफ हो रही है, आप मसल में पेन रहता है तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, क्योंकि हर इंसान ये देखता है कि ड्राई फ्रूट तो सभी लोग खा सकते हैं, पर ध्यान रखिए आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सभी ये कह देते हैं कि अखरोट आप खा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अखरोट का सेवन आप नहीं कीजिए, क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सारी फैट अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।